हाय दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस इन द कंप्यूटर। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड एज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इज एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू input device, output device and processing unit. So now see what is the input devices, which is input devices, कौन कौन से input devices होते हैं। अब अगर आप screen देख रहे हो तो इनकी screen में साफ दिख रहा है कि जो input device हैं वो mouse है, keyboard, webcam, touch screen, joystick, microphone, optical pen, मॉनिटर, और ये आउटपुट हैं। कंप्यूटर में ये दो पार्ट, इनपुट एंड आउटपुट, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हैंडसेट एंड प्लॉटर, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं जैसा देख रहे हैं। इसमें ये चलता कैसे है, होता कैसे है। इसमें हमारे पास में एक कंप्यूटर है, दिस इज द कंप्लीट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर बनाता हूँ छोटा सा, दिस इज आवर कंप्यूटर, ओके, दिस इज द विंडो, ओके। हाँ, इसमें ये कीबोर्ड आ गया, इसमें ये माउस आ गया, और ये इसमें डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से जब भी हम इसमें कुछ इंटर करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये इसमें जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद इसमें प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि इसमें हमारे मदरबोर्ड है, इसमें मदरबोर्ड है, इसमें हमारा रैम है, और इसमें हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें प्रोसेस होगा, ये हमारा तीस, हमारा ये हमारा इनपुट है, ये हमारी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो हम इनपुट में क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम देखते हैं। हम चलते हैं, हम गूगल की मदद लेते हैं। तो दिस इज द गूगल कीबोर्ड, हम इमेज पे जाते हैं, इमेज पे दिखेगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं। इफ यू सी हियर, दीज आर द आइटम, दिस इज द जॉयस्टिक, खेलने के लिए जो जॉयस्टिक होती है, this is the mouse and this is the mic and actually ये mix हो गए, ये output और input दोनों mix हो गए हैं। तो हम सिर्फ input device देखेंगे, है ना, this is the input device, input device is the computer। input क्या क्या है, अगर touch screen है तो वो input है, क्योंकि यहाँ से हम in कर रहे हैं, इस पर कुछ लिख रहे हैं। mouse हमारा input device है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है, और स्कैन कर रहे हैं अभी, ये हमारा आउटपुट नहीं आ रहा, प्रिंटर आउटपुट है, बट यहाँ पर ये स्कैनिंग कर रहा है, यानी कि ये इन कर रहा है। तो इनपुट हमारा जो इन डिवाइस हो रहा है, यानी कि जो भी, अगर हम अपने इस पे जाएंगे, जो भी यहाँ से इन हो रहा है, जो भी हमारा इसमें से, यहाँ से जो हमारा इन हो रहा है, अब पहले यहां पर जाएगा दिस इज, फिर ये आउटपुट के रूप में दिखेगा। तो जो मेरा कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, प्रिंटर नहीं, स्कैनर, जो बाकी की चीजें हैं, उससे जो जाएगा, तो ये सारा इनपुट है, इनपुट डिवाइस, इनपुट इस प्रोसेसिंग में जाएगा पहले। तो हम अपनी स्क्रीन में देखेंगे, तो ये कीबोर्ड के द्वारा हम लिख सकते हैं, माउस के द्वारा हम क्लिक कर सकते हैं, वेबकैम के द्वारा हम आवाज अपनी रिकॉर्ड करके सामने वाले को बता सकते हैं। तो ये हमारा सारा इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस है। तो
इनपुट इज क्लियर? यस। तो अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। अगर हम इसमें देखेंगे आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस इसमें दिख रहे हैं। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैन जो निकल रही है वो हमारा आउटपुट है, स्पीकर के द्वारा आवाज़ निकल रही है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं गाना सुनते हैं तो ये आवाज़ निकल रही है, और ये वीडियोस, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस के अलावा प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग क्या होती है? तो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर हमारे रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारी इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हम इसमें गूगल में जाके देखते हैं, गूगल सीपीयू इन कंप्यूटर, ये आ गया हमारा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको इमेज के द्वारा दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर ये छोटा सा हमारा सीपीयू लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। ये स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है डाटा को, और आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट दिखाता है। ये हमारा प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये i7, i5, i9, ये अगर आप देख रहे हैं तो कोर इंटेल i7, ये सारा प्रोसेस सीपीयू है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा फैन है, पावर सप्लाई है। ये हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर ये हमारी रैम लगती है, और यहाँ हमारी हार्ड डिस्क लगती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा इनपुट में कीबोर्ड होता है। हम कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड किस तरीके से चलता है। कीबोर्ड में क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड, अगर हम कंप्यूटर कीबोर्ड का किसी का भी इमेज उठाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कोई साइब स्क्रीन, इसको ले लेता हूँ। कीबोर्ड के अंदर अगर आप कीबोर्ड देखेंगे तो ये हमारा कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड इज यूज फॉर फीड डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इट्स लुक लाइक ए टाइपराइटर। इट हैज अराउंड 105 कीज, 105 की होती है इसके अंदर। एक कीबोर्ड कंटेन वेरियस टाइप ऑफ की लाइक अल्फाबेट की। अगर आप देखेंगे A to Z, हमारे ए से लेके जेड तक अल्फाबेट की होते हैं, और 0 से लेके 9 तक, ये 0 से लेके 9 तक हमारे नंबर की होती है। इसके अलावा ये ऊपर जब हम शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो ये फंक्शन की काम करते हैं। F1, F2, F3 ये हमारी सारी फंक्शन की है। इसके अलावा इसके अंदर कंट्रोल की होती है, ये हमारी कंट्रोल की है। ओके, आई शो यू इन जस्ट अ मोमेंट। आपको दिखा देते हैं कि कौन सी चीज कहां कहां पर होती है। हम नए पेज पे लेते हैं, दिस इज द कीबोर्ड। ओके, सो नाउ सी जो शिफ्ट है वो ये है, ये हमारी शिफ्ट है, और फंक्शन की ये है। स्पेस देते हैं हम इससे, स्पेस बार देते हैं स्पेस, और फंक्शन की का ये ऊपर कॉलम है। ये हमारे सारी फंक्शंस की हैं, अगर हम देखेंगे ये सारी फंक्शंस की हैं। इसके अलावा ये हमारी नंबर की हैं, ये हमने लैपटॉप का कीबोर्ड उठाया है इसलिए नहीं, नंबर्स की अलग से भी होती हैं। और ये हमारी एरो की होती है, ऊपर नीचे जाने के लिए एरो की है, ये हमारी एरो की है।
इसके अलावा अल्फाबेट जब हम शिफ्ट दबाते हैं तो कैपिटल वर्ड आता है, और इसके अलावा हम कैप्स लॉक करके भी ये कर सकते हैं। जब कैप्स लॉक्स करेंगे तो हमारे कैपिटल वर्ड आएंगे, अदरवाइज हमारे स्मॉल वर्ड आएंगे। और ये फंक्शन की है F1 से F12 तक की होती हैं, ये वेरियस काम आते हैं। अगर आपको स्पीकर ऑन करना है कंप्यूटर का तो ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ से बैक स्पेस करना है बैक स्पेस में यहाँ से चले जाएंगे आप, एस्केप करना है तो एस्केप का ये बटन होता है जिससे आप एस्केप कर सकते हैं। तो फंक्शन की, न्यूमेरिकल पैड, कैप्स लॉक की एंड कंट्रोल की, अल्फाबेट की, वेरियस कीबोर्ड अवेलेबल इन द योर कीबोर्ड। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारे वर्ड यूज और भी कर सकते हैं, प्लस का निशान, माइनस का निशान और डॉलर, एक्स्ट्रा, ये सारे वर्ड इसमें होते हैं। जब आप शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो यहाँ से आपका डॉलर यूज होगा, यहाँ से आपका एंड यूज होगा, यहाँ से आपका परसेंटेज यूज होगा। ये की शिफ्ट के साथ काम करती है, ये आपकी शिफ्ट की है, शिफ्ट दबाएंगे और इसके बाद में ये काम करेगा। तो स्पेस बार भी यूज करते हैं, दिस इज द स्पेस बार ही आपका सबसे लॉन्गेस्ट होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, यू कैन गिव स्पेस बिटवीन द करेक्टर यूजिंग दिस की, ओके, दिस इज द स्पेस बार। एंड शिफ्ट की, शिफ्ट की का मतलब है देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, दिस की ऑलवेज वर्क कॉम्बिनेशन विद अदर की, इफ यू वॉन्ट टू टाइप ए लेटर इन कैपिटल होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट, इफ यू वॉन्ट टू टाइप परसेंटेज होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द नंबर की मार्क 5। सो शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो ये काम करेगा। इसी तरीके से आपका बैक स्पेस होता है, तो ये आपका बैक स्पेस है, ये दिस इज द बैक स्पेस। डू यू वॉन्ट टू इरेज करेंटली टाइप लेटर, प्रेस बैक स्पेस की, कुछ भी आपको इरेज करना है तो बैक स्पेस की से आप इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा एरो की होती है, दिस इज द एरो की, टू मूव द कर्सर राइट लेफ्ट अप डाउन प्रेस, तो दिस इज, ये एरो की से होता है। इसके अलावा इंटर की, इंटर की इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कीबोर्ड, देयर आर टू इंटर की ऑन दिस कीबोर्ड, योर कमांड और इंस्ट्रक्शन ईच इंटर प्रेसिंग द इंटर की, आप कुछ भी टाइप करेंगे उसके बाद में इंटर दबाएंगे तो वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपका इंटर की यहाँ पर है। और आप अगर आपका बड़ा कीबोर्ड है तो आप, ये एक्चुअली मैंने लैपटॉप, ये लैपटॉप पर आपका कीबोर्ड है, अगर आप मॉनिटर का कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें 2 इंटर होंगे, एक और इंटर की होगा, ठीक है। तो दिस इज द इनपुट आउटपुट एंड यू नो ऑल्सो द प्रोसेसिंग, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा।